नमस्कार, प्रणाम। मैं विनोद मिश्रा हूं और मैं एक छोटा सा अभिनेता हूं। मेरे मन में कुछ विचार आए हैं, मैं नए कलाकारों के लिए कुछ मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं कोई एक्टिंग गुरु नहीं हूं, बट मेरा जो अनुभव रहा है मैं वो साझा करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। जैसे मुझे जो भी लड़के मिलते हैं या जो भी कलाकार मिलते हैं, या कभी कभी ऑनलाइन भी मुझसे पूछा जाता है कि मुझे भी सिनेमा में कैरियर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई NST करे, FTI करे या BNA पास आउट हो, मतलब BNA से आए। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकते हैं कि आपकी उम्र हो गई हो, आपके पास पैसे ना हो या आपके पास समय ना हो। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप NST नहीं किए हैं, BNA नहीं किए हैं, FTI नहीं किए हैं, तो आप रंगमंच कीजिए। उससे क्या होगा, आपका डिक्शन साफ हो जाएगा, आपकी भाषा क्लियर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मेरा एक स्वयं का अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, कि आप किसी निर्देशक को, किसी डायरेक्टर को असिस्ट करें। जैसे अगर आप किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, मतलब सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हैं, तो पहले तो आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, आपको शूट चलता है तो भोजन की भी समस्या नहीं होती है, नाश्ता, चाय, पानी, भोजन सब मिलता है। दूसरी बात ये कि आप जब कैमरे के पीछे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार होते हैं, नए पुराने बड़े कलाकार कैसे एक्ट करते हैं, और उनका एक्ट टुकड़ों में लिया जाता है, छोटे छोटे शॉट्स लिए जाते हैं। तो वहाँ सीखने का मतलब, आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप NST से बेटर सीख जाते हैं, बट आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अपने जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, जो मुझे नहीं भी जानने वाले हैं, उन लोगों से मैं ये वीडियो के माध्यम से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि आप ये काम करें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग के फील्ड में अपना भविष्य, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप रंगमंच करें, और रंगमंच नहीं कर पा रहे हैं तो आप असिस्टेंट डायरेक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर बने, और उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जस्ट मत अपनी एक राय, मेरी समझिए या मेरा अनुभव, मैं ये वीडियो बनाया हूँ और मुझे आशा है कि इससे कलाकारों को लाभ मिलेगा। और ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता की।